ये अग्नि जो मेरे हृदय में प्रज्वलित हो रही है, ये उस कृष्ण की प्रसन्नता के कारण है। प्राप्ति, वो कृष्ण प्रसन्न है, बहुत अधिक प्रसन्न है, और ये मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ, परंतु आप इतना व्याकुल ना होइए। उस कृष्ण की ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रहेगी महाराज, क्योंकि स्वयं वो कृष्ण अधिक समय तक इस संसार में कहाँ रहने वाला है। आगासुर गया है उससे प्रतिकार करने, वो भी उस कृष्ण से उतनी ही घृणा करता है जितनी आप करते हैं महाराज। वो उस कृष्ण को ऐसे मृत्यु देगा कि देखकर सारा संसार कांप उठेगा। तुम ठीक कह रहे हो भक्ति, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है वो अगासुर उस कृष्ण का वध करके पूरे वृंदावन को शोक और भय की लहर में डुबा देगा। ये ले कान्हा, आ गया तेरा माखन। कान्हा, कान्हा कहाँ चला गया? अभी तो यही था। लल्ला, कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ छुपा बैठा है तू? देख मेरे सामने आ, अपनी मैया को और मत सता तू। क्या हुआ राधे, मैया की पुकार सुन के चिंतित हो गई? मत चिंता करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। नहीं कृष्ण, बात केवल यशोदा मैया को संभालने की नहीं है, बात है उचित और अनुचित की। मैं तुम्हारे प्रेम में दृष्टिहीन हो गई, अपनी हट पूरी करने के लिए मैंने एक मैया को उनके पुत्र से अलग कर दिया। मुझसे ये कैसा पाप हो गया कृष्ण, अपने प्रेम को पाने की लालसा में मैं उनके प्रेम को देख ही नहीं पाई। इस संसार में भला कब ऐसा हुआ है कि किसी मनुष्य के लिए प्रेम का भाव सदा एक सा रहा है। नए प्रेम के आ जाने से पुराना प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अब मैया के प्रेम में वात्सल्य का भाव है, तो तुम्हारे प्रेम में प्रीत का भाव है, विश्वास का, जीवन संगिनी बनने का भाव है। प्रेम चाहे ये हो या वो, दोनों का अपना अपना महत्व है राधे, और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। तुमने मेरी इच्छा तो पूर्ण कर दी कृष्ण, किंतु अब आगे क्या? आगे एक उचित मार्ग मैं बता सकता हूँ, किंतु उस पर चलना तुम्हारा कार्य है। पहेलियां मत बुझाओ कृष्ण। अब समय आ गया है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेने का राधे। कैसा निर्णय? तुम मेरी आत्मा हो राधे, मेरा आधार हो तुम, मेरा अस्तित्व, मेरी शक्ति, सब कुछ तुमसे है। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मुझे स्वीकार्य होगी। या तो हम पति पत्नी बनकर रह सकते हैं, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे उसमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। या तो हम पुनः एक बार पहले की भांति राधा और कृष्ण, सखा और सखी बन के अपनी अपनी नियति का पालन कर सकते हैं, क्योंकि अंततः हमारा विवाह हुआ है ये हम जानते हैं, हमारा परिवार और ये संसार नहीं। अब यदि तुम्हारा निर्णय ये है कि हम पति पत्नी की भांति रहें, तो उसमें वो कृष्ण जो सबका कृष्ण है, वो केवल राधा का कृष्ण होगा। और जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ,
धर्म की स्थापना करना, इस संसार को ज्ञान से एक मार्ग दिखाना, वो कदाचित हो नहीं पाएगा। फिर सबका कृष्ण केवल तुम्हारा बन के रहेगा। जैसा मैंने कहा, अंत में निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम जो भी चुनोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण ने ये कैसे दुविधा में डाल दिया राधा को? इतना कठिन निर्णय राधा कैसे ले पाएगी? जिस क्षण की प्रतीक्षा राधा ने वर्षों से की, जिस कृष्ण के जीवन साथी होने की लालसा उसे सदियों से थी, वो क्षण आया भी तो इस प्रकार? अभी तक तो वो कृष्ण की पत्नी होने का सुख भी नहीं भोगा, और कृष्ण ने उसके समक्ष इतना बड़ा निर्णय रख दिया। अब क्या करेगी राधा? मैं समझता हूं ये निर्णय कठिन है। नहीं कृष्ण, ये निर्णय मेरे लिए कठिन नहीं है, अभी तो मेरे जीवन का सबसे सरल निर्णय है। मुझे याद है कि मुझे क्या करना है। कृष्ण, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तुमने किया वो तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा थी, और ये निर्णय मेरे प्रेम की परीक्षा है। अधिकार मनुष्य को कई बंधनों में जकड़ देता है, किंतु प्रेम प्रेम ना हर बंधन से मुक्त कर देता है। मुझे तुम्हारे प्रेम की लालसा है, तुम पर अधिकार जमाने की नहीं। मैं कभी तुम्हारे कार्यों के आड़े नहीं आना चाहती, कभी तुम्हें नहीं रोकना चाहती, और तुम्हारी पत्नी बनकर कदाचित मैं वो स्वतंत्रता तुम्हें नहीं दे पाऊँ। तुम सदैव मेरे सखा थे और सदैव मेरे सखा रहोगे। वो सखा जिससे मैं अत्यंत प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी। तुम अपनी नियति पूरी करो कृष्ण, हमारी नियति पूर्ण करो। तुम्हारी राधा तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे पाँव में बनने वाली बेड़ी नहीं। पुनः एक बार विचार कर लो राधे। इसमें विचार करने जैसी कोई बात ही नहीं है कृष्ण। मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय की डोर इस परिणय सूत्र के परे है कृष्ण। तुम्हारे हृदय से जो जुड़ी हूँ मैं, एक दिन इस संसार को ज्ञात होगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। हमने विवाह के पवित्र संबंध को भी निभाया था, परंतु हमने नियति के आगे नतमस्तक होना चुना। मैं केवल तुम्हें राधा का कृष्ण या मैया की खोज कांत या एक भक्ति की पुकार को अनसुना करते उस कृष्ण भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें हर प्रेम करने वाले उस हृदय में बसे उस कृष्ण के रूप में देखना चाहती हूँ। तुम ही बताओ, यदि ये प्रेम की परिभाषा नहीं है तो क्या है? तो तुम चाहती हो कि मैं सभी की स्मृतियां लुप्त कर दूं, परिवार वृंदावन वासी इनके मन में हमारे विवाह को लेकर जो सारी स्मृतियां हैं उन्हें मिटा दूं? हाँ कृष्ण, सभी का ये भूल जाना ही उचित होगा कि हमने कभी विवाह की बात छेड़ी भी थी। किस स्मृति से मिटा दो ये बात। एक बार वो स्मृतियां मिट गई तो पुनः हमारे विवाह के विषय में किसी को कुछ स्मरण नहीं रहेगा। मुझे तो स्मरण रहेगा ना, मेरी स्मृति में तो हमारे विवाह की हर विधि रहेगी ना। तुम्हारा वर रूप तो मेरे हृदय में सदैव रहेगा ना। मेरे लिए केवल स्मृति पर्याप्त है।